पता है ब्रेकिंग न्यूज क्या है? अपनी संपूर्ण जिंदगी में पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देख लेना गुरु। नहीं अगर नहीं देखोगे तो उसमें नुकसान आपका ही होने वाला है, क्योंकि वीडियो के एंड के बाद मैंने एंड क्रेडिट सीन लगाया है। क्यों हिला डाला ना? तो दुनियादारी की चिंता को मार के लात, चलो शुरू करते हैं असली मुद्दे पे बात। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि स्टॉर्म ब्रेकर म्योलनिर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अरे ए मारो इसको। अरे रुको 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 दादा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। थोर जब बिना हथियार हो के बेकार हेला को नहीं हरा पाया और ना ही थैनोस से अपने लोगों को बचा पाया, तब उसने जान की बाजी लगाकर स्टॉर्म ब्रेकर बनवाया और वकांडा में कड़क एंट्री मार के मासूम थैनोस का बैंगन भरता बनाया। कसम से ये सब देख के यार मुझे तो बड़ा मजा आया। और तब बाकी लोगों की तरह मेरे काले मन में भी ये बात छप चुकी थी कि स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा तड़कता भड़कता हथियार थोर के पास नहीं हो सकता। लेकिन गुरु लव एंड थंडर आने के बाद मेरे इन संस्कारी विचारों पर संदेह के बादल छाने लगे, क्योंकि मेरे पापी मन ने नोटिस करा कि जो म्योलनिर सिर्फ ठोकने का काम करता था, उसने अब स्टॉर्म ब्रेकर की तरह दुश्मनों को काटना भी शुरू कर दिया है। ना कि सिर्फ सामने खड़े एक दुश्मन को, बल्कि उसी दिशा में खड़े हुए कई सारे टारगेट को एक साथ। और इसके अलावा म्योलनिर से उड़ान भरने के लिए अब उसे शक्तिमान की तरह घुमाने की भी जरूरत नहीं है, स्टॉर्म ब्रेकर की तरह वो खड़े खड़े उड़ान भर सकता है। लेकिन गुरु स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट खोल सकता है, इसलिए मेरी नजर में वो अभी भी म्योलनिर से ऊपर था। किंतु तभी मैं ये क्या देखता हूँ, जिस खतरनाक हथियार ने ज्यूस का भी फ्यूज उड़ा दिया, उस नेक्रोसॉर्ड को म्योलनिर ने अपने अंदर लेके पूरी तरह से हिला दिया। सच में यार, एक ऐसा हथियार जो सारे देवताओं की तशरीफ के पकोड़े बना देता, उसे म्योलनिर ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यार इतना सब कुछ देखने के बाद मैं स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सर तुम नहीं, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बताओ किसमें ज्यादा चुल है और कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। और मैं थोर भैया से पूछना चाहूंगा कि हथौड़े में इतना दम कैसे आ गया यार? हाँ सिर्फ हथौड़े में ही नहीं, इसे चलाने वाले में भी है दम। किधर है वो चूहा? मैं तो डर गई।